आ, क्रोम के इस्तेमाल के साथ जो बैजिंग के साथ दिया गया है जो एक एलिमेंट ऐसा है जो एकदम टिपिकल आपको होंडा की तुरंत याद दिला देगा आजकल सभी गाड़ियों में होंडा में आप देखेंगे वही हेडलैम्स उसके आ, थोड़े से पतले नैरो हैं और ये ज्यादा इसको पैने बनाते हैं आ, लुक के मामले में मुझे लगता है कि बहुत ही बराबरी पर ये दोनों गाड़ियाँ छूटी हैं अगर मेरी बात करें हालांकि लुक काफी सब्जेक्टिव मामला है आपको हो सकता है ये ज्यादा पसंद आए या फिर कुछ को ये ज्यादा पसंद आए लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला दोनों में बराबरी पर छूट रहा है मुझे ऐसा लगता है कि सियाज के साथ एक बड़ी छलांग लगाई है मारुति ने लुक डिजाइन और स्टाइल फैक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो सियाज के फ्रंट सीट पर बैठ के या ड्राइवर सीट पर बैठ के मुझे यहाँ पर बहुत ही नएपन का एहसास हो रहा है और अगर इस लोगों को हटा दू तो कई बार आप सोचेंगे क्या ये वाकई मारुति है तो यहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रहा है जो लेआउट है डैशबोर्ड का तीन अलग अलग टेक्सचर या रंगों के साथ जो यहाँ पर स्विचेस का लेआउट है और जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है वो स्टाइलिश से मुझे लग रही है आम पर मारुति की गाड़ियों के साथ हमारी आदत नहीं है कि इस तरह के आ, एलिमेंट्स देखने को मिले इतने अपडेटेड और कंटेम्प्रेरी देखने को मिले क्योंकि कई बार फीचर्स की लिस्ट भी उनकी थोड़ी सी छोटी रहती है या बाद में हम देखते हैं कि नए वर्जन में या लिमिटेड एडिशन में वो फीचर्स की लिस्ट में कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है क्योंकि आजकल बाकी कंपनियां बहुत ही अग्रेसिव हैं बहुत सारे फीचर्स अपनी गाड़ियों में डाल रही है तो यहाँ पर फीचर्स और लुक के मामले में सियाज मुझे काफी आकर्षक लग रही है सीट्स मुझे मेरे लिए मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ी से कम आराम दे लगे क्योंकि इसकी जो सीट है कुशनिंग ठीक है और जो जिस पोस्टर में आप यहाँ बैठते हैं उस हिसाब से ठीक लग रही है क्योंकि स्टेयरिंग के ऊपर आपको सारे कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं चाहे ऑडियो का हो या फिर फोन का हो लेकिन जिस सीट की मैं बात कर रहा था इसकी हाइट अगर थोड़ी और नीची होती तो मेरे लिए आरामदेह ज्यादा होती ये सियाज और साथ में बहुत ही साफ तरीके से बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर हाइड किया गया है कप होल्डर्स और आ, आपके पावर पॉइंट यूएस और ऑक्स इन तो स्टाइलिश इंटरेस्टिंग और स्मार्ट आपको सियाज की ये पहली सीट या आगे क्या लुक आउटलुक जहां नई सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ अगले सीट पर हम जब बैठते हैं तो जो चीज मैं सबसे पहले महसूस कर रहा हूँ वो तो आ, सीट की कुशनिंग है इसकी सीट मुझे ज्यादा प्लश लगती है ज्यादा आरामदेह लगती है और जहां ये और ज्यादा नीचे जाती है तो मेरे जैसे हाइट के लिए थोड़ी आराम एवरेज ले, इंडियन हाइट के लिए मेरे ख्याल से सियाज और सिटी दोनों ही बराबर की फीचर्स के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे फीचर्स इसको भी मिनिमल रखने की कोशिश की है सिटी ने होंडा ने और सिटी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स आपको अगर गाड़ी ऑफ है तो फिर नजर नहीं आएंगे जैसे मैंने अगर इसे स्टार्ट कर दिया तब आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रोल्स जो हैं वो बाद में नजर आते हैं जैसे ये एक ऐसा पैनल है जहां पर सारे ही स्विचेज या कंट्रोल्स बाद में ऑफ ऑन होते हैं जब आप इसे इसके इसे गाड़ी को ऑन करते हैं तो आकर्षक भी लेआउट है और और काफी काफी टेकी तीखी बनावट वाला यहाँ पर हिसाब किताब आपको लगेगा सिटी में तो मुझे लगता है सीट के कुशनिंग और आराम के हिसाब से सियास थोड़ी सी मेरे लिए पिछड़ रही है लेकिन फीचर्स और लुक के मामले में यहाँ भी मामला बराबरी पर छूट रहा है और सियाज के पिछली सीट पर आप बैठे हैं जगह आपको काफी मिलेगी लेग स्पेस भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है सीट को मैंने अपने हिसाब से अगली को रखा है और चूंकि इसकी बनावट थोड़ी सी पतली है बैकरेस्ट की तो आपको यहाँ जगह थोड़ी एक्स्ट्रा मिल रही है यहाँ अगर पिछली सीट पर मैं सपोर्ट की बात करूँ पीठ को सपोर्ट ठीक मिल रहा है थाइज का सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन सिटी पर जाके देखेंगे कि सिटी के मुकाबले मामला कैसा है यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको ए सी वेंट मिल रहा है और एक पावर पॉइंट भी मिल रहा है आम रेस्ट भी है और यहाँ पर तीसरे पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट एक्स्ट्रा दिया गया है तो पिछली सीट पर जो जरूरी आराम की चीजें हैं वहां पर सियाज का प्रदर्शन ठीक है सिटी में आकर कहानी जो है वो असल बताती है कि पिछली सीट पर भी आराम के मामले में सिटी आपको सियाज से ज्यादा आराम दे लेगी लेग स्पेस इसे भी मैंने अपनी सीडिंग के हिसाब से इस सीट को एडजस्ट किया था यहाँ लेग स्पेस या नी रूम जिसको कहेंगे वो ज्यादा आपको मिलेगा मेरे थाई को सपोर्ट ज्यादा आगे तक जा रहा है ये आपको सीट ज्यादा चौड़ी महसूस होगी जो नीचे है और साथ में जो यहाँ कुशनिंग भी आपको ज्यादा आरामदेह और प्लश लगेगी जैसा मैं अगली सीट पर महसूस कर रहा था यहाँ पर भी पावर पॉइंट हैं दो पावर पॉइंट यहाँ दिए गए हैं और यहाँ पर भी ए का वेंट आपको पिछली सीट के लिए मिला है आम रेस्ट है लेकिन हाँ आ, और यहाँ पर भी इसे पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट आपको महसूस हो रहा है दिख रहा है लेकिन जगह के मामले में मुझे सिटी सियाज से बेहतर लग रही है हालांकि आप बाहर से देखें तो आपको लगेगा कि सियाज में ज़्यादा अंदर जगह होगी लेकिन सिटी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई जगह निकाली गई है और जो आप देख सकते हैं इस शॉट से आप समझ गए होंगे कि हम इन दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में बात कर रहे हैं आ, फिलहाल तो हम पेट्रोल वर्जन चला रहे हैं लेकिन दोनों के पास डीजल विकल्प भी मौजूद हैं यानी होंडा सिटी डी, डीजल और सियाज डीजल दोनों ही मौजूद हैं सियाज में 1.3 लीटर वाला जो क्वार्टर इंजन या DDIS जिसे मारुति सुजुकी कहती है आ, वो इस्तेमाल किया गया है वहीं वन लीटर इंजन जो डीजल वाला है जो कि काफी किफायती है अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा किफायती है होंडा ने जैसा कि हमें कहा है और वो एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है आ, सिटी के लिए या फिर होंडा के लिए ही यहाँ पर अगर पेट्रोल वर्जन की बात करें जो कि हमने चलाया फिलहाल न सिर्फ आंकड़ों के मामले में आ, बल्कि प्रदर्शन के मामले में भी आपको लगेगा कि सियाज जो है वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ज्यादा है क्योंकि रोमांच अगर हम कहें इंजन से निकलने वाले ताकत की वजह से तो वो आपको इस एक दशमलव पांच लीटर पेट्रोल इंजन से ही मिल रहा है तेज तरार ये भागती है और इसमें हालांकि माइलेज के मामले में ए आर माइलेज के मामले में पेट्रोल का माइलेज सियाज का सिटी से ज्यादा है लेकिन यहाँ पर आपको टॉर्क की थोड़ी सी कमी महसूस होगी आपको थोड़ी सी और टॉर्क की अगर गाड़ी रहे क्योंकि बहुत सारे अगर पैसेंजर इसमें बैठे और तब इसको अगर खींचना हो तब आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी और ताकत की जरूरत है लेकिन अगर मैं चला रहा हूँ केवल इन दोनों गाड़ियों को तो मुझे सिटी ज्यादा रोमांचक तो इस कहानी के आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड की किफ़ायती पैसा वसूल गाड़ी चाहिए तो फिर आप सियाज खरीदें जो कि आकर्षक भी है स्टाइलिश भी है वहीं अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांच चाहिए और थोड़ा एक्स्ट्रा आराम चाहिए तो फिर सिटी के लिए पॉकेट से पैसे मिल